हाय फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज बराम और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर पर सही तरीके से अपनी फोटोग्राफी को अपलोड कर सकते हो ताकि आपका फोटोग्राफी रिजेक्ट ना हो पाए। आप में से काफी सारे लोग शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर पर फोटो अपलोड करते होंगे लेकिन आपका फोटो रिजेक्ट हो जाता होगा। उसका मेन रीजन आप सही तरीके से अपनी फोटो का डिटेल्स फिल नहीं करते हो। तो इस वीडियो में आप सीखने वाले हो किस तरह से आप सारी डिटेल्स को सही तरीके से फिल कर सकते हो ताकि आपका फोटो रिजेक्ट ना हो पाए। अब ये सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अपने फोन पर गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर, जहाँ पर मैंने submit.shutterstock.com इस वेबसाइट को ओपन कर लिया है एंड इसको मैंने डेस्कटॉप मोड पर ओपन किया है ताकि इस वेबसाइट के सारे फीचर्स को हम यूज़ कर सके। एंड देन यहाँ पर मैं लॉगिन पर जाता हूँ एंड अपने जो शटरस्टॉक यूज़र नेम एंड पासवर्ड है उसको देकर लॉगिन हो जाता हूँ। एंड यहाँ पर काफ़ी सारा लोग ये कह रहे थे कि वो लोग साइन इन नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है आप गलत पासवर्ड इनपुट कर रहे हो, तो आप पहले अपने पासवर्ड को चेक कर लीजिए या फिर उसे रीसेट करके फिर से ट्राई कीजिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पर से मैं जल्दी से साइन इन हो जाता हूँ। तो जैसे ही आप इसके अंदर साइन इन हो जाएंगे तो आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा अर्निंग, पोर्टफोलियो, प्रोमोशन, इनसाइट्स एंड अपलोड। तो जो लोग मुझे कह रहे थे कि आप अपना जो शटरस्टॉक का अर्निंग है वो दिखाइए, तो आप देख सकते हो मेरा अर्निंग जीरो है क्योंकि मैंने यहाँ पर काफ़ी दिनों से कोई भी फ़ोटो अपलोड नहीं किया है। मैंने यहाँ पर लगभग 4 से 5 फ़ोटो अपलोड किया जो मेरा अप्रूव्ड है एंड उसके बाद लगभग 3-4 महीना मैंने कोई भी फ़ोटो अपलोड नहीं किया है। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यूअली फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई भी अर्निंग आपका नहीं होने वाला है। तो मैं सिंपली यहाँ पर अपलोड पर जाता हूँ एंड अपलोड पर जाने के बाद यहाँ पर अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो फोटो है वो EPS या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। अभी कोई भी एडिटेड फ़ोटो JPEG फॉर्मेट में हो जाता है तो उसके लिए आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत है नहीं। तो मैं यहाँ पर से अपना एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो नीचे आपका फ़ोटो जो अपलोड में लग जाएगा। अभी फ़ोटो अपलोड कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आपको फ़ोटो आपका यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब आपके फ़ोटो का जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ही कम है। अगर आपके फ़ोटो में सफिशिएंट रेजोल्यूशन नहीं होगा तो फ़ोटो यहाँ पर नहीं आएगा, और अगर सफिशिएंट रेजोल्यूशन होगा तो यहाँ पर आपका फ़ोटो आ जाएगा। एंड देन फ़ोटो आ जाने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एक नया पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको इस फ़ोटो की सारे डिटेल्स को फिल करना होगा। अब फोटो रिजेक्ट होने के मेन कारण होते हैं आपका जो फ़ोटो है उसका क्वालिटी या फिर एडिटिंग अच्छी तरीके से नहीं होता है। हो सकता है जो फ़ोटो आपने लिया हो वो अच्छी तरीके से फोकस में नहीं है, अच्छा शार्पनेस नहीं है, या फिर आप उसके अंदर बहुत सारा ओवर एडिटिंग कर दिए हो, या फिर हो सकता है उस फोटो में बहुत ज़्यादा ग्रेन हो, उसके वजह से भी फ़ोटो जो कि रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपका फ़ोटो परफेक्ट है, ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो जाता है, उसका मेन रीज़न हो सकता है फ़ोटो का डिटेल्स अच्छी तरीके से फिल ना करना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर 2 फोटो पहले से अपलोड करके रखा है और मैं यहाँ पर एक फ़ोटो को एडिट करके दिखा देता हूँ, सारे डिटेल्स को फिल करके दिखा देता हूँ। तो पहले फ़ोटो जो मैंने अभी अपलोड किया उसके ऊपर मैं टैप करता हूँ तो आप देख सकते हो दाएं तरफ इसके जो सारे एडिटिंग टूल है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सबसे पहले आपको दिखाई देगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं जो कि हम यहाँ पर बहुत सारा यूनिक डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। जैसे कि ये फ़ोटो आप देख सकते हो मैं पिछले दिन ही अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर किया था, जहाँ पर मैंने इस फोटो का टाइटल दिया था गार्डनर। अब गार्डनर टाइटल मैंने इसलिए दिया था क्योंकि ये जो मेंटिस है जैसे लग रहा है इस फ्लावर्स को गार्ड कर रहा है, बिल्कुल एक गार्डनर जैसे अपने फ्लावर्स को गार्ड करता है इस तरह से। तो मैंने वहाँ पर क्रिएटिवली ये जो टाइटल है उसको गार्डनर दे दिया था। लेकिन अगर आप शटरस्टॉक पर इस फोटो का टाइटल को गार्डनर देंगे तो कोई भी इस फोटो को ढूंढ नहीं पाएंगे। मान लीजिए अगर आप शटरस्टॉक पर कोई भी फोटो खरीदने गए हो और वहाँ पर अगर आप एक मेंटिस का फोटो खरीदना चाहते हो तो आप वहाँ पर मेंटिस लिखकर सर्च करेंगे, ना कि गार्डनर। तो आपको अपने फोटो का टाइटल वही देना है जो एप्रोप्रिएट में आपके फोटो के अंदर है। जैसे कि इस फोटो के अंदर है कास फ्लावर है, स्काई है, सनसेट है और एक नेचुरल सीन है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लिख देना है। तो इस फोटो के रिलेटेड मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दिया है जहाँ पर मैंने सनसेट, रिवर, कास सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दे दिया है। एंड सबसे पहले हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कैटेगरी। तो ये जो मेरा फोटो है ये कैटेगरी पड़ता है बैकग्राउंड के अंदर एंड साथ ही साथ ये पड़ता है नेचर के अंदर, तो मैं यहाँ पर दूसरे कैटेगरी पर नेचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया है। अभी मोर के अंदर आपको दिखाई देगा मैच्योर कंटेंट, जो न्यूड फोटोग्राफी या फिर कोई सेंसिटिव कंटेंट होते हैं तो उसमें आप इसको ऑन कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर आपको टाइप करने होंगे कीवर्ड्स, लेकिन कीवर्ड्स टाइप करने की ज़रूरत है नहीं, आपको नीचे काफ़ी सारा कीवर्ड देखने को मिल जाएगा आपके फ़ोटो के रिलेटेड। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा कीवर्ड चूज़ कर लिया है एंड इस फोटो के सारे डिटेल्स को मैंने फिल कर दिया है, जहाँ पर मैंने इस फोटो का एक डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी साथ ही साथ कीवर्ड भी चूज़ कर लिया है। अभी मैं सिंपली इस फोटो को सबमिट कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये सारे टूल को आपको फिल करना है एंड सारे फ़ोटोज़ के टूल को आपको बड़े ही ध्यान से फिल करना है।
अदरवाइज आपका फ़ोटो रैंक नहीं करेगा, फ़ोटो में सेल नहीं होगा। फ़ोटो आपका ज़रूर अप्रूव हो जाएगा लेकिन फ़ोटो में सेल नहीं होगा। अब देखिए, फ़ोटो अप्रूव ना होने की मेन रीज़न जो सबके लिए होता है वो होता है फ़ोटो में अच्छा क्वालिटी ना होना। अब जो फ़ोटो ले रहे हो उसमें जो फ्रेम है या फिर फ़ोटो में जो सब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें अगर ठीक नहीं रहेंगे तो आपका फ़ोटो अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि जो फ़ोटो होता है वो ऑटोमेटिकली अप्रूव नहीं होता है। फोटोग्राफर्स उनको देखते हैं उसके बाद उसको अप्रूव करता है। तो फ़ोटो का क्वालिटी इम्प्रूव कीजिए एंड देन आप यहाँ पर अपने फोटोग्राफी को अपलोड कीजिए। आई थिंक ज़रूर आपका फ़ोटो अप्रूव हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी बहुत हेल्प मिलता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मोबाइल फोटोग्राफी से जुड़े रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।